The Gandhi family is very, very popular in Mizoram. We are trying to put a new system. We call it Kalpung Thar. Kalpung means a system. We are trying to put in a new system in which we can tackle corruption. हम तीन पार्टी में से कौन जीतेगा हम कह नहीं सकता है, फिर भी ये हमारा विश्वास है कि हम लोग MNF जीत जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेन कोलोई और दो दिन बाद ही पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में चुनाव होने जा रही है। चुनाव की सिलसिले में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की कैंपिंग भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। इस बार मिजोरम के चुनाव में 5 पॉलिटिकल पार्टी के बीच लड़ाई होने जा रही है। आमना सामना लड़ाई 2 पॉलिटिकल पार्टी के बीच है, जो MNF जो पिछले सत्ता में था और ZPM जो पिछले सरकार में मुख्य विपक्ष दल पे था, और BJP और कांग्रेस और है आम आदमी पार्टी। इस 5 दलों में इस बार चुनाव की लड़ाई होने जा रही है। कौन से मुद्दे को लेके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इस बार मिजोरम के चुनाव में मैदान में उतरा है, क्या क्या उन लोगों का मेन डिमांड है, आइए आज हम सभी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरों से बात करते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मिजोरम में चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी रिपोर्टर की तरह ही हमने भी जो पहली बात नोटिस की थी वो थी कि इस चुनाव में कोई शोर शराबा, बड़ी रैलियां या फिर झंडे, बैनर या फिर पोस्टर वॉर नहीं था। लोगों से बात करो तो वो चुनाव के बारे में बात करते हैं, अन्यथा जीवन अपनी सामान्य गति से चलता है। यहाँ की अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता या नेता भी एक दूसरे के बारे में बात करते हुए संयम नहीं खोते हैं। अब राज्य में चुनाव प्रचार बिल्कुल अंतिम चरण में पहुँच चुका है। 7 नवम्बर को यहाँ पर मतदान होगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने मिजोरम के चुनाव के बारे में अपना एक मज़ेदार अनुभव बताया। इंदिरा गांधी टाइम इंदिरा जी सेंट मनी एज द यूज टू सेंड टू अदर स्टेट्स, बट दैट टू आल्सो आवर लीडर्स माय कलीग्स वी ऑल सेड दैट वी डू नॉट वांट टू स्पॉइल द मिजो पीपल बाय विद मनी पावर। सो we separated how much will be required for petrol, this, that and all, and the rest we returned to Indira Ji. And Indira Ji was so surprised, so much so, that she said about this in the Congress Parliament Party meeting. And she even said that this is the first time in Indian National Congress history that money sanctioned and given to the state for electioneering is returned to the election. Then after that, during Rajiv Ji's time also, we returned money because our leaders say that let us not be the ones or the party who spoil the Mizo people with money power. मिजोरम में फिलहाल MNF यानी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। सत्ताधारी पार्टी होने के कारण एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी इस पार्टी को झेलनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी MNF इस चुनाव में काफ़ी मजबूत नज़र आता है। राज्य में सरकार चलाने वाले MNF के नेता यह मानते हैं कि राज्य में उतना विकास उसके समय में नहीं हुआ है जितना शायद होना चाहिए था। बावजूद इसके वे मानते हैं कि राज्य के लोग एक बार फिर उन्हें मौका ज़रूर देंगे। COVID-19 का वजह से ये जो कार्रवाई करना था, कोई भी मकान, जो भी सरकार मकान है, स्कूल है, जो भी है, उनको बनाने के लिए बाहर जा नहीं पाते हैं कोविड के दौरान में, और उसमें दिक्कत आया है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आया है। लेकिन ये जो कोविड समाप्त होने के बाद, ठीक होने के बाद जो है, और हमारे जो सरकार है, अभी सरकार खड़ा है MNF, बहुत काम किया है लोगों ने,
और हर जगह में जैसे कि क्या-क्या नया। हाँ, फिलहाल अभी तो कई हॉल है, गांव-गांव में हॉल बना के रखा है, और नंबर दो हर जगह में यह जो फुटबॉल ग्राउंड बना के रखा हुआ है काफ़ी स्पोर्ट की तरफ से, और बाकी जो वॉलीबॉल ग्राउंड है और कोर्ट है ये लोगों ने बहुत बनाया हर जगह में, और इसके बारे में और जो गेमलर्स है जो गेम जिसका इंटरेस्ट है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सरकार। और बाकी जो कि हमारा जो एम है ये रोथ ठीक करने के लिए ये हमारा एम है, जो पिछली सरकार वाला ने जितना रोथ नहीं बनाया, जो कि गांव-गांव में रोथ नहीं बनाया, उनका एमएनएफ वाला ने बहुत बनाया। इस मिजोरम की विधानसभा में फिलहाल मुख्य विपक्षी दल ZPM यानी जोरो पीपल्स मूवमेंट है। राज्य की राजनीति में इस पार्टी का वजूद बहुत पुराना नहीं है। इस पार्टी का गठन साल 2017 में हुआ था। साल 2018 के चुनाव में इस पार्टी ने 8 सीटें जीतकर राज्य की राजनीति में अपने पैर जमा लिए थे। ZPM को इस चुनाव में काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। राज्य की राजनीति को समझने वाले लोग कहते हैं कि इस समय मुख्य मुकाबला सत्ताधारी MNF और ZPM के बीच ही बन रहा है। इस चुनाव में ZPM राज्य के नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा कर रही है। We feel for them. We know what their pain are. When the students or like when the youths, they are trying to find a job and they are hurt by the nepotism that is happening in here. When the entrepreneurs, when they try to sell their products or they try to take loans, they try to have a startup, they feel like they face many difficulties. We feel their pain. And what ZPM is trying to do is, we try to take off their pain, their hurts, through the use of a systematic plan. We call it, like I said, that the Kalpungthar. And we're trying to form not a party system of government. Like, we want to the people to have their own government. We are for them. कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो राज्य में इस पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं और यहां उसकी जीत के रिकॉर्ड को कोई छू नहीं पाया है। 2008 में कांग्रेस ने राज्य की कुल 40 सीटों में से 32 सीटें जीती थीं। उसके बाद साल 2013 के चुनाव में उसने अपने प्रदर्शन को और शानदार बनाया था जब उसने कुल 40 सीटों में से 34 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। यह रिकॉर्ड आज तक जिंदा है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी नंबर 3 की पार्टी बनकर रह गई थी और उसे सिर्फ 5 सीटें ही मिली थी। Well, you see, as I said, I have just said, the MNF is very unfortunate in that the anti-incumbency factor we weigh very heavily on them. And at the same time, the Congress under the new leadership is coming up and gaining strength day by day, and now rising by strength and by supported by strong leadership and office bearers of the Mahila Pradesh Congress Committee, Youth Congress Committee, and Aizawl District Congress Committee, which is the biggest district Congress Committee in Mizoram. They are working very hard, campaigning. So I hope we'll have a comfortable majority and form the government. मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार की लोकप्रियता पर काफी भरोसा है। यहाँ पर पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए आए राहुल गांधी की पदयात्रा में भी काफ़ी भीड़ जुटी थी। पार्टी के नेताओं का मानना है कि MNF के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल और गांधी परिवार की लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में पहुंचा सकती है।
The Gandhi family is very, very popular in Mizoram. And they have endeared themselves so much to the Mizo people. Immediately after the peace accord was signed, the entire family came for about a week. Even Sonia Ji? Rajiv Ji, Sonia Ji, Priyanka Ji, and Rahul Ji also, even though they were very young at the time. लेकिन सत्ताधारी एमएनएफ और मुख्य विपक्षी दल ZPM यह मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक प्लेयर जरूर है, लेकिन वे ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की रेस में भी शामिल है। ये हमारा है जो अपोनेंट है यहाँ पर ZPM, ये ZPM जो है थोड़ा से बोल रहा है कि हम जीत जाएंगे, और उसका बीच में है कांग्रेस जो कि पहले उनका सरकार खड़ा था हमसे पहले, MNF से पहले, क्योंकि कुछ दिन के बाद थोड़ा से डाउन हो गया है कांग्रेस। अब फिलहाल हम तीनों पार्टी में से कौन जीतेगा हम कह नहीं सकता है, फिर भी ये हमारा विश्वास है कि हम लोग MNF जीत जाएंगे। MNF, of course, Congress is a far third. MNF and ZPM will be in the finals. भारतीय जनता पार्टी राज्य की 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यहां के चुनाव में उसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। खुद बीजेपी की राज्य इकाई के लोग यह मानते हैं कि कुछ चकमा इलाकों को छोड़ दें तो राज्य के इस चुनाव में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी पार्टी को उम्मीद है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने का कुछ फायदा उसे जरूर मिल सकता है। आदमी तो क्या कैसा बोलेगा, ये तो मिजोरम आदमी ने सरकारी सेंट्रल सरकार मांगते हैं ना, सरकार सेंट्रल सरकार से मांगते हैं, सेंट्रल सरकार से हम लोग तो डायरेक्ट दे सकते हैं सब कुछ, इसलिए अच्छा है। तो मिजोरम के चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ कोई एक केंद्रीय मुद्दा नजर नहीं आता है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मणिपुर में हुई हिंसा में सताए गए ट्राइबल परिवारों के समर्थन का कुछ फायदा सत्ताधारी MNF को मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ता गया है यह साफ हो गया है कि यह मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं है। मिजोरम के लोगों के लिए यह एक सामाजिक मुद्दा है और यहाँ के सभी नेता इस मामले में एकमत हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल ने रोजगार और विकास के अवसरों की बात करके यहाँ के नौजवानों को किसी हद तक प्रभावित जरूर किया है। We are trying to put a new system. We call it Kalpung Thar. Kalpung means a system. We are trying to put in a new system in which we can tackle corruption, in which we can tackle red tapeism, and bring forward a new entrepreneurship environment for the youth. So there are many things that we want to change, and seeing the mandate of what we are trying to do, our plans, the people of Mizoram, now they're trying to support, they're supporting ZPM. We're just like what we call as a black horse now. मिजोरम के चुनाव प्रचार को हमने लगभग एक सप्ताह तक देखा है। यहाँ के शहरी और ग्रामीण मतदाताओं से बातचीत का अवसर भी हमें मिला है। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से भी बातचीत हुई है, लेकिन फिर भी हमारे लिए यह तो मुनासिब नहीं होगा कि हम यह कह दें कि कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस चुनाव में MNF और ZPM सरकार बनाने की मुख्य लड़ाई में शामिल है। इसमें ZPM का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। कांग्रेस पार्टी यहां पर अच्छा चुनाव लड़ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए उसकी मदद की दरकार पड़ जाए, लेकिन मिजोरम में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की लड़ाई में नजर नहीं आती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो मिजोरम में किसी एकाध सीट पर उसे कुछ अच्छे वोट जरूर मिल सकते हैं और यही शायद उसके लिए संतोष की बात होगी।